पता नहीं क्या ये 3090 लेके तो नशे करता चार हां ये नशे करता हूं मैं कि तू ऐसे कर के पास करना थोड़ा भी रैम पास करना GDDR6 सबसे आसान तरीका गेमिंग पीसी लेने का घर वालों क्रेडिट कार्ड निकालो खरीद लो नहीं सॉरी बाहर निकाल दिए जाओगे घर से और दोनों बंदे एक दूसरे को कह रहे नहीं तू बिकाओ तू बिकाओ तू बिकाओ तू बिकाओ तू बिकाओ ये चल रहा है पैसा लग रहा है और ये चल रहा है और सब छोड़ो सब छोड़ो सब छोड़ो जनता इतनी बढ़िया जनता नीचे आके लिख रही है हाँ 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 मजा आ गया मसाला देख के मसाले की कमी आपको पता है आजकल के जो बोर्ड बन रहे हैं अशरुक एमएससी ये सारे खराब है बोर्ड आजकल के बोर्ड में कुछ नहीं खोखले बोर्ड हैं प्रोग्रामिंग बेकार कर रखी है दिस इज अ डायरेक्ट कोड फ्रॉम हिम इस बोर्ड में इतनी अच्छी प्रोग्रामिंग है आप 2 GB RAM लगाओ 8 GB परफॉर्मेंस देगी 2 GB RAM सो गाइस वेलकम बैक टू टॉक्स विद एसएमसी इतने सारे एपिसोड हो गए अब तो मैं एपिसोड नंबर भी भूल गया हूं टुडे वी हैव मिस्टर ध्रुव गुरुंग जो टका टका के आते हैं बट आ जाते हैं एंड देन वी हैव मिस्टर अवनीश ये भी आ रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए तो आज काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे काफी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं एंड काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम खुद गुजर चुके हैं तुम लोग का तो पता नहीं भाई देखो मैं तुमसे छोटा हूँ तो मैं तो पर्सनली गुजर चुका हूँ तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स रोल द इंट्रो तो सबसे पहले तो ध्रुव अवनीश थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग ऑन द शो बहुत टाइम बाद एक टॉक्स विद एसएमसी का एपिसोड कर रहे हैं हम लोग मैंने कहा कि यार क्यों ना थोड़ा सा एक चिल बैक सेशन करते हैं हम लोग हमेशा कुछ ऐसे गेस्ट को लेके आते हैं जो नामचीन हस्ती होते हैं मैंने कहा कि अब की बार लेट्स डू एक इंटरनल जो हमारे रोज कैमरे के पीछे लोग होते हैं उनके साथ एक टॉपिक करते हैं लेट्स हैव व्यूअर्स को एक इनसाइट देते हैं कि हम लोग का दिमाग कैसे चलता है एंड व्हाट डू वी ना बोला कि सड़क से उठा के स्टार बना दे सही बोल सही बोल आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ एसएमसी टॉक्स बहुत बड़े-बड़े लोग आए हैं आई एम प्रिविलेज्ड टू बी हियर विजय शेखर शर्मा आपने बोल कैसे दिया आपको पता हो कितने बड़े स्टार है आप सबका चैनल बंद करा देंगे वो अकेले पावर कपिल शर्मा के शो में इतने वो नहीं आए स्टार जितने उनके शो पे करेक्ट करेक्ट वो बिना उनका फुटेज यूज करे कॉपीराइट स्ट्राइक मार देता तो यार ये ऐसा होता है शेखर जी वी लव यू एवरीवन लव्स सर शेखर जी एग्जैक्टली 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 अच्छा विदाउट एनी फर्दर गाइस आज का सबसे पहला टॉपिक जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ओपन डिस्कशन होगी आई वांट टू टॉक अ बिट अबाउट हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स टू बाय यू अ गेमिंग पीसी जो कि एक हमारी देखो हु बाय द गेमिंग पीसी आज के टाइम में द एवरेज एज ऑफ अ गेमर इज 18 से 20 साल मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद तो अर्न करते नहीं है अपने माता पिता को जाके हाथ फैलाने पड़ेंगे स्पॉइल्ड ब्रेड नहीं मतलब है जो लोग अपने मॉम डैड से बोलते हैं कि भाई पीसी दिलवा दो मॉडर्न बोलते कह रहे हैं भाई क्या करेगा इसका तो अलग अलग तकनीक तरकीबें अपनाते हैं बच्चे मैं तो कहता हूँ मैं कम से कम ड्रग्स तो नहीं कर रहा क्या ही बोल रहा नहीं कर रहा अरे इसको किसने बुलाया है पॉडकास्ट पे फिर घर वाले बोलते खाना खा ले खाना खा ले देखो भाई मेरा तो बड़ा सिंपल सिस्टम है आई हैव देखो क्या सीन है द टाइम वी स्टार्टेड एसएमसी का वेबसाइट आई यूज्ड टू पिक अप ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द सेल्स कॉल्स बाय माय सेल्फ ठीक है तब अकेला मैं था टीम थी नहीं तुम लोग थे नहीं तो आई यूज्ड टू पिक अप ऑल ऑफ द कॉल्स माय सेल्फ मेरे पास ऐसे 4 से 5 बार केस हो चुका है कि घर पे जिस बंदे जिस लड़के को पीसी लेना है उसने घर पे बात उल्टे तरीके से बताई मतलब तरीका अपनाया है बहुत तगड़े तरीके का मम्मी पापा के पास गया मम्मी पापा ये पीसी चाहिए गेमिंग पीसी है क्यों चाहिए बेटा कुछ नहीं मैं एक्चुअली ना प्रोग्रामिंग करूंगा इस पे मैं अमेज़न बनाऊंगा ठीक है ये एक था दूसरा था पापा स्कूल के लिए कॉलेज उसके लिए क्या कहते हैं व्हाट्सएप कॉल क्या चल रहा था आजकल जूम के लिए फोन जूम के लिए चाहिए 3070 जो उसके बंदे ने फोन बंदा कॉन्फिग लेयर 3070 लिया कोटा बस काम आते बंदा 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 कॉन्फिग लेयर 3070 और 54x उस बंदे को जूम कॉल के लिए चाहिए माय वन फ्रेंड इज एक्चुअली डूइंग एचटीएमएल कोडिंग ही बॉट Asus TUF विद 3060 तुम्हारे हिसाब से तो ये तो हो गया
इनको तो रोज मिलते हैं ऐसे बंदे तो मेरे को तो जैसे मेरे से तुमने बोला कि पेरेंट्स को बोला था, मेरे को तो एक देखा है मैंने सामने सामने, उसने अपने पापा को बात बताई कि तेज बोल लोगे तो चला नहीं जाए पापा को एक बात बताई कि उसने बोला कि देखो पापा सुन रहे हो कि पापा आपका पीसी भी आपको सैलरी बना के देता है, मैं भी जो पीसी मांग रहा हूँ मुझे पैसे कमा के देगा, आपका पीसी भी जो है आपका पीसी के सामने भी 8 घंटे बैठने वाला, मैं भी पीसी के सामने 8 घंटे बैठा, आपका पीसी क्या लाता है 20,000-30,000, मेरा पीसी लाएगा 1,10,000 रुपए जितने भी लोग काले कोट और काला पैंट पहने घूमते हैं उनकी बात समझ में आ गई होगी। जितने भी लोग आते हैं अराउंड 20-30% जो पीसी लेते हैं मेरे से, अगर वो बच्चा है देन ही उसने बाहर बना रखा है पहले से कि किस लिए वो पीसी ले रहा है, लाइक सबको पता है कि फॉर अ गेमिंग पीसी अगर गेमिंग पीसी ले रहे हो आप, अगर बेसिक गेम खेल रहे हो आप एडिटिंग कर रहे हो देन यू डोंट नीड 3070-3080 यार, आपको अगर गेमिंग करनी हार्ड कोर गेमिंग करनी तभी आपको ऐसा पीसी चाहिए। वो बाहर बना के आते हैं कि मुझे ऑटोकैड चलाना है, मुझे चलाना है, मुझे चलाना है, बंदे को पता है नहीं ऑटोकैड क्या होता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ही डजंट नो शिट अबाउट इट। ये तो बेसिकली है ना पीसी टाइप पीसी बनाना है, कहीं भी मतलब बजट फ्रेंडली काम तो है नहीं, एक हेफ्टी अमाउंट लगती है, और बेसिकली ना लोगों में अवेयरनेस है और ओवर अवेयरनेस है। एक मिनट सॉरी गाइस, थोड़ा सा ना फोन आ गया था तो उठाना पड़ा था, तो हाँ गाइस सॉरी। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि पीसी बनवाना, गेमिंग पीसी बनाना स्पेशली, कोई भी बजट फ्रेंडली काम तो है नहीं, हेफ्टी अमाउंट लगती है, नो डाउट। और दूसरा एक और इसका वेरिएबल है, एक और दूसरा पॉइंट है कि लोगों में अवेयरनेस है, जरूरत से ज्यादा अवेयरनेस है। हम इतने ज्यादा लोग जो है टेक यूट्यूबर्स को देखते हैं, फॉलो करते हैं, वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बोला था कि 3090, 3090 Ti, 3080, तो उनको लगता है कि यार यही है गेमिंग पीसी। हाँ। वो अवेयर नहीं है कि उनका काम जो है 1650 भी हो सकता है, 1660 भी हो सकता है। उन्होंने अल्टीमेटली खेला GTA 5 या कोई फर्स्ट शूटर गेम या फिर ऐसी गेम है, ठीक है, लेकिन वो पीसी ऐसे बनाते हैं कि उनको 8K से नीचे उनका गुजारा नहीं है। जरूरत मैंने देखे बंदे अगर आपको शौक ही पूरा करना है तो बहुत इतना 4KB के अंदर इंसान चादर हो गया। You need 24 GB of graphic card, 6G RAM. You need that to play Valorant. Like, but ठीक है, ये तो चलो टांगे की चीज़ है हमारे। But on a serious note, अगर if somebody is watching us who is like 15 to 18, बंदा doesn't earn himself and he wants to convince his parents कि भाई मुझे एक PC game PC दिलवा दो, तो what would you guys suggest? तो कैसे बात करें माँ बाप से? वो पहली बात तो घर से कि माँ बाप घर से ना निकाल दें। वो अगर तुम अगर तुम ऐसे बोलोगे कि पापा 4 लाख का पीसी बना ले तो मैं 2 महीने मस्टैंग ले लूंगा, तो ये तो तुम फिर निकल ही जाओगे, ठीक है। और फिर तुम इस तरह की बात है क्योंकि गेमिंग कम्युनिटी में जैसे तुम देखा होगा बूट गेम्स पे लोग गाली गलौज और पत्थर फेंकना, ऐसे तुमने देखा होगा कि SATL में जो हुआ सोल गेमिंग के जो बूट कैंप वगैरह में, मुझे नहीं पता क्या टॉक्सिक अभी चल रहा था बेसिकली, चल क्या रहा था मुझे कुछ आईडिया नहीं है, मतलब एवरीबॉडी इंस्टन हो गई, बाकी लोगों के पास भी कांटेक्ट होगा नहीं। अरे तो फेंग पे ज्यादा बढ़िया था ना सारे गेम, जितने भी गेमिंग फ्रेंचाइजी है उनके बने हुए, तो उनके जो वो है विरोधी तो उनके आके पत्थर से मार के, अभी गोल्डी भाई का देखा तो ना? नहीं मैंने देखा, मैं चांस आपको जो है चीजें चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी टाइम के संग बदलता रहता है, ठीक है, अपडेट रहना बहुत जरूरी है। हाँ, उनको बिल्कुल चांद पे पहुंचाने वाला 4.5-5 लाख का पीसी नहीं, तो एटलीस्ट उनको एक ऐसा पीसी जरूर लेना चाहिए जो उनको चीजों से अपडेट रख सके, पता चले कि चीजें क्या हो रही है, तो थोड़े नए गेस से वो चीजें अप्डेट कर पाए कि पीछे रह जाएंगे। इस तरह से अगर अप्रोच करेंगे तो आई थिंक ज्यादा कन्वीनियंट होगा, क्योंकि माँ बाप जो है हमारे इंडिया में जो बात है ना, हमारे घर वाले जो है, अगर आप ये बोलेंगे कि बाबा मुझे म्यूजिक करना है,
तो वो शायद इन्वेस्ट ना करें। अगर बोलेंगे कि मुझे मोटर स्पोर्ट्स खेलना है तो आपको शायद वो BMX बाइक ना दे। अगर आप बोलेंगे कि मुझे सपोज करो मुझे आर्टिस्ट बनना है, आपको शायद वो क्लास में ना भेजे। लेकिन अगर आप उनको एक बात बोलेंगे कि टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और जो टर्म जो भी चल रही हैं, चीज़ें चल रही हैं, अगर उससे अपडेट रहने के लिए चीज़ें बोलेंगे तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। इस देश में एक माँ बाप है जो है क्या नाम है इसका, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, वो 50 लाख का लोन ले लेता है अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए। ये पॉसिबल है, करेक्ट करेक्ट, लेकिन वो शौक पूरे नहीं कर पाएगा। अगर आप उनको बोलेंगे कि मुझे शौक पूरा करना है और मुझे उसके लिए किसी चाहिए तो डेफिनेटली मना करेंगे। अगर आप उन्हें समझाएंगे कि ये चीज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं वक्त के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहता हूँ, अपडेट ना करना चाहता हूँ चीज़ों को, तो डेफिनेटली वो करेंगे हेल्प आपको। जाहिर सी बात है 5-10 लाख का पीसी ना बना के दे, बट वो जरूर एक ऐसा पीसी देंगे जो आपकी नीड को पूरा कर सके। इंटरेस्ट मी, जितने बड़े बड़े स्ट्रीमर्स, जितने बड़े बड़े गेमर्स हैं, उनका सेटअप इनिशियली इतना ज्यादा अपग्रेड नहीं था। नो नो डू आई स्टार्टेड विद अ व्हाट वाज इट अ इंटेल पेंटियम इंटेल पेंटियम कोड नहीं नहीं हां आई स्टार्टेड विद अ कोड टू डू करेक्ट I started with a 422. उसके बाद मैं मेरा वो प्रोसेसर खराब हो गया। I had to downgrade. मैंने अपग्रेड नहीं किया। I had to downgrade to a Pentium 4. Then, ठीक है? तो उसके बाद धीरे-धीरे करके गाड़ी आगे बढ़ी है। फिर नया 422 आया। ठीक है? फिर उसके अंदर मैंने वो लगाया HD 5450 ATI Radeon वाला, जिसकी PCB भी लाल रंग की आती थी। वो मैंने कार्ड लगाया HD 5450. फिर उसको मैंने अपग्रेड करा टू HD 6450. कुछ ज्यादा फर्क नहीं था कार्ड के अंदर। अब वो था कि HD 5450 चला गया, वो प्रोसेसर के बाद अपग्रेड आई गॉट G 5450, वो भी पेंटियम ही था G 5450। तो इट वाज अ प्रीटी डीसेंट प्रोसेसर, राइजन 1200 के टाइम का प्रोसेसर था वो, मैंने लिया उसके साथ आई नॉट 1050 है। दैट वाज अ, वो जो दो चीजें थी वो ऐसी बड़ा जंप था, तो ये बहुत बड़ा जंप था। वो ऐसी चीज थी मेरे लिए कि भाई हाँ, वो ऐसी चीज थी कि हाँ भाई थोड़ा सा कुछ मैंने लेटेस्ट लिया है, थोड़ा सा फील आने लगा था मेरे को कि हाँ कुछ है, कुछ चल जाएगा इसके अंदर। नाउ आई कैन स्ट्रीम, मैं सैन एंड्रियास से वाई सिटी के अलावा भी कुछ चला सकता हूँ। ठीक है, तो फिर भी देखो मैंने 2 दिन गेम्स ट्राई करी, मैं घुमा फिर आके वही वाई सिटी का आ गया। ठीक है, चलो वो है, बट आई थिंक मेरे हिसाब से और एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। उसके बाद अब 3-4 साल पहले जाके आई डिड अपग्रेड, मैंने फिर लिया 2060 NVIDIA guys approach me, तब मैं अपना चैनल भी चला रहा था। NVIDIA guys said कि dude, I have good contacts, कि dude तू ले graphic card use कर। मैंने 3-4 साल use करा हमने graphic card, then I did an upgrade, I got a 3060 from my own money and I have a Ryzen 3600। तो चलो अब तक तो गाड़ी सही चल रही है, बट भाई देखो, देखने से लोगों को लगता होगा कि पता नहीं क्या ये 3090 लगे तो नशे करता चार, हाँ ये नशे करता होगा तो ऐसे करके हाँ मारता होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, लोगों देख के लगता होगा पता नहीं क्या पास करना। लेकिन तुम देख रहे हो क्रेडिट स्कोर जलकाने का क्या है, देखो क्रेडिट स्कोर जलकाने थोड़ा भी रेम पास करना। GDDR6X हटेंगे नहीं हो गया, ये भी ले लो, लाओ लाओ क्या मार रहा कुछ मंगवाना है अगर तुम्हें पीसी चाहिए तो हैव अ क्लियर पर्सपेक्टिव कि क्या चाहिए, वो दे सकते नहीं दे सकते। कहीं तुम तुम्हारा बजट 1 लाख का, तुम मुझसे मांग रहे हो कि 3080 दे दो, 3080 क्या करोगे 3080? सही बात, या तुम्हें कॉल ऑफ ड्यूटी चलाना है, तुम्हें फायर क्रैकर खेलना है,
तो उस हिसाब से रिसर्च करो एंड 30-50 में चल जाए, 30-50 वही एग्जैक्टली चल जाता है। तुम्हें नहीं चाहिए 30-70, अगर तुम रीजनेबल तरीके से मांगोगे कि ये पॉइंट है मेरा, थोड़ा सा गेमिंग कर लूंगा, थोड़ा सा एडिटिंग कर लूंगा, देन ऑब्वियसली हर कोई मान जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर किसी के पॉइंट मान जाते हैं। बहुत से लोग आते हैं, तुम रीजनेबल पॉइंट रखोगे अपना, देन दे विल डेफिनेटली गेट योर पीस। बस हो गए तेरे 5 मिनट, तो 2 मिनट में निपटा दिए तुमने। मेरी कोडिंग तो जैसे कम साइज, मेरी कोडिंग तो जैसे स्मॉल लाइव्स मैटर, या मेरी कोडिंग तो जैसे कि अगर आप कर रहे हो वीडियो एडिटिंग या कोई रेंडर या कोई 3D ऐसा काम कर रहे हो, तो पेरेंट्स को बोल दो कि आप 4-5 लाख रुपए कोर्स पे खर्च करने से बढ़िया मेरे को पीसी बना दो, सारे कोर्सेस ऑनलाइन अवेलेबल है, मैं उसके थ्रू देख के अपना कर सकता हूँ, मुझे पीसी बना दो, क्योंकि मेरे पास एक वर्क होस्ट तो होना चाहिए, मैं अपने जो बाद में अगर क्लाइंट्स पकड़ूंगा, काम पकड़ूंगा, तो मैं सिर्फ पूरा करूंगा। अगर आप एक गेमर है तो मोस्ट प्रोबेबली आप जो है फर्स्ट शूटर गेमर्स या फिर ऐसे स्ट्रीमर्स को देख के ही इन्फ्लुएंस होंगे जो फर्स्ट शूटर गेम खेलते हैं, जैसे कि वैलोरेंट हो गया, CS:GO हो गया, इस तरह गेम्स को देख के। तो वहां पर आपको इतनी ज्यादा GPU पावर की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई भी स्टोरी मोड गेम को देख के अपना पीसी बनाता होगा, मोस्टली हेडशॉट्स इन सब की से ही हवा जी। हां मतलब एक्चुअली एक फैक्टर और है, द रीजन बीइंग कि इंडिया में जो ऑडियंस है दे डू नॉट लाइक स्टोरी मोड कंटेंट एज मच एज दे लाइक एक यूट्यूबर मल्टीपल गेम खेल रहा है और 3-4 लोगों को गाली दे रहा है। सही बात है, ये चीज साइकोलॉजिकल है, मल्टीपल गेम्स आर दे टेंड टू बी अ लॉट मोर एंगेजिंग देन स्टोरी मोड गेम्स। एक सिलेक्ट ऑडियंस है इनको स्टोरी मोड गेम्स ही पसंद है, पबजी के अलावा कुछ था नहीं, पबजी मोबाइल के अलावा कुछ था नहीं यूट्यूब पे। इफ यू आर अ स्ट्रीमर और तुम लोग पबजी मोबाइल स्ट्रीम नहीं कर रहे 2017 में, यू शुड क्लोज योर चैनल, इतना बुरा हाल था पबजी मोबाइल का। जब पबजी मोबाइल बैन हुई है इंडिया के अंदर, आई टेल यू वन थिंग, पबजी मोबाइल बैन होने की वजह से ना जो ऑडियंस थी पबजी मोबाइल वाली, दे हैव स्कैटर्ड, वो हर जगह गए। ठीक है, जो लोग पबजी मोबाइल में कंटेंट देखते थे, इवन द कंटेंट क्रिएटर जो पबजी मोबाइल कंटेंट बनाते थे, उनमें से काफी सारे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते थे, दे स्विच्ड ओवर टू फ्री फायर उस टाइम के अंदर। जो लोगों ने फ्री फायर स्विच नहीं करा, उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करा। GTA 5 कंटेंट तब से पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ इंडिया के अंदर, GTA 5 RP हो गया तुम्हारा, GTA 5 मल्टीप्लेयर हो गया, इवन वैलोरेंट से पहले CS:GO का बहुत बड़ा सीन था इंडिया के अंदर। एक्चुअली पबजी मोबाइल से वैलोरेंट पे सबसे ज्यादा सच हुआ। एक्चुअली वन मोर थिंग व्हिच हैज इंपैक्टेड दिस अ लॉट इज द लॉकडाउन्स। लॉकडाउन्स में लोग घर बैठे हुए थे, कुछ करने के लिए था नहीं, एक तो पबजी बैन हो गई, ऊपर से भाई साहब कुछ करने के लिए नहीं, बंदा क्या करेगा, गेम खेल ले, लोगों ने गेम खेलना स्टार्ट करा, दे गॉट टू नो कि भाई पबजी मोबाइल से आगे भी दुनिया है, Valorant है, GTA 5 है, CS है, there are lot other games. एक टाइम पे जब मैं बता रहा हूँ, मैं स्ट्रीमिंग यूट्यूबर ना बहुत पहले से देख रहा हूँ, ठीक है, कैरी मिनाटी का 5,000 का वॉचिंग आता था कैरी इज लाइफ पे, तो सबका दिमाग फट जाता था कि भाई 5,000 लोग देख रहे हैं, भाई 5,000 लोग देख रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। और वो सिर्फ वो अकेला बंदा था स्टार्टिंग में जिस बंदे ने स्टोरी मोड गेम स्ट्रीम करनी स्टार्ट करी, that was the guy alone, and मैं बता रहा हूँ मैंने खुद बैठ के उसकी स्ट्रीम देखी है, Resident Evil 7 मैंने देखी, Resident Evil 7 की स्ट्रीम भी कर दी, Goldie Gaming वो वॉचिंग नहीं आती थी, 5,000 व्यूज भाई कंकरेंट वॉचिंग उस टाइम पे बहुत होती थी, 2016-2017 में फ्री फायर के लोग स्ट्रीम कर रहे। अब तुम खोल लो चैनल, हां जो खेल लो, कोई गेम आ जाती है यार, 3-4 महीना तुम लगातार करो आ जाती है वॉचिंग। बेसिक ना मैं तुम्हें इन द मतलब अगर मैं इस चीज को अगर कंक्लूड करूं तो बेसिक ना मुझे ऐसा लगता है कि ना लोग बेसिकली जो गेम खेलने का ना जो मेन एसेंस है वो भूल गए। गेम इज ऑल अबाउट स्ट्रेस बस्टिंग। वो कॉम्पिटिटिव लेवल पे खेलने के लिए गेमिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, वो किसी भी आपको शोशाबाजी करने के लिए, मस्तैंग लेने के लिए, हवाबाजी करने के लिए गेमिंग स्टार्ट नहीं थी। गेमिंग आपको एक स्केप देने के लिए बनी हुई थी कि आप अपने जो स्ट्रेसफुल लाइफ से थोड़ा सा स्केप ले लीजिए। यहाँ पर अगर आपका रेजोल्यूशन 1080 अगर आप 2K 4K नहीं खेल रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है। अगर आप कोई बहुत हॉट शॉट अगर AAA गेम नहीं खेल रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे, ऑब्वियसली महंगी होती है, तो वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है। तो बेसिक आप गेम को आप गेम की तरह लीजिए तो वो बहुत। सर्कलिंग बैक टू द क्वेश्चन एट हैंड, मेरा पर्सपेक्टिव बहुत सिंपल है, ठीक है भाई, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर केमिस्ट्री विद योर पेरेंट्स, वेरी सिंपल, ठीक है। अब देखो जैसे मेरे पेरेंट्स बहुत चले, अब लाइक मेरे को आई वॉन्ट अ गेमिंग पीसी स्टार्टिंग में, जब आई वॉज टर्निंग ऑन माई सेल्फ, मैं जाके मांग रहा हूँ गेमिंग पीसी चाहिए। देखिए दो गाइस यूज्ड टू नो कि भाई मैं करता क्या हूँ पीसी पे, उस टाइम पे आई हैड अ बिजनेस ऑफ माय ओन, मैं स्टार्ट ही कर रहा था जस्ट,
भाई स्पेसिफिकली इंक्लूडेड कि भाई ये मेरे सबसे पहले तो बिजनेस पे काम आएगा बिकॉज़ उसके बिना ऑनलाइन में आई वोंट बी एबल टू सेल शिट अगर मेरे पास पीसी नहीं है तो ठीक है दूसरी चीज आई नीड फॉर स्टडी बिकॉज़ आई नीड टू लर्न प्रोग्रामिंग तीसरी चीज आई वांट टू डू गेमिंग ठीक है माय ओल्ड फेलोज नो कि भाई मुझे करना क्या ठीक है तो दोस्त गाइस सपोर्टेड मी अब ऑन द कॉन्ट्रेरी बहुत लोगों के पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि भाई सोचते हैं गेमिंग तो जुआ है ठीक है तुम गेमिंग कर रहे हो तो भाई तुम तो गलत रास्ते में हो इससे कुछ नहीं होता ये सब फालतू है अब आई टेल यू वन थिंग सबसे आसान तरीका गेमिंग पीसी लेने का घर वालों क्रेडिट कार्ड निकालो खरीदो नहीं सॉरी बाहर निकाल दिए जाओगे घर से ये ना करो द इजिएस्ट थिंग फॉर यू टू डू राइट नाउ टू गेट अ गेमिंग पीसी इज टू सिट डाउन विद द पेरेंट्स हैव अ वन टू वन डिस्कस कि भाई क्या क्यों लेना है किस लिए लेना है मेरे हिसाब से 80% ऑफ पीपल जो गलत करते हैं इस जाके बोलते हैं पापा गेमिंग पीसी पापा पीसी दिला दो क्या करना गेम खेलनी है वहां पे खत्म हो गई बात तूने गेम खेल ली खत्म है अय्याशी करने के लिए कोई प्रिंट 2 लाख रुपए नहीं एक्चुअली मैं द थिंग इज दैट कि इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज जो है दे ट्रीट 70,000-80,000 का थिंग एज एन इन्वेस्टमेंट ठीक है एक्चुअली में दे वॉन्ट टू सी कि भाई रिटर्न आरओआई क्या है आरओआई क्या निकलेगा मैं कह रहा हूँ जैसे आप अपने घर पे रहते हैं और अगर आप उनकी सगी औलाद है तो आपको पता ही होगा कि हमारी कितनी चादर है तो बेसिकली आपको भी उस हद तक ही आना चाहिए मोस्टली मैं बता रहा हूँ अगर आप इनिशियल लेवल पे हैं थोड़ी बहुत एफपीएस गेम खेलना चाहते हैं थोड़ा बहुत गेमिंग करना चाहते हैं एक्चुअल में आपको आपकी स्टडी में जरूरत है तो आप एपीयू बिल्ड से भी शुरू कर सकते हैं सेकंड चीज अगर ये तरीका नहीं काम करता आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू हैव योर पेरेंट्स एक्सपीरियंस दिस थिंग फर्स्ट हैंड The reason being जो stereotype बना हुआ है ना Indian parents, Indian middle class parents के दिमाग में कि भाई gamers जुआरी होते हैं, नशेड़ी होते हैं, हैं जो अपना काली सी गुफा के अंदर बैठ के हुडी पहन के नशे कर रहे होते हैं, गेम खेल रहे होते हैं, चिप्स खा रहे होते हैं, स्काउट होते हैं, तो गलत कैसे? Don't देखो, it doesn't have to. Everybody is not like that. अच्छा अगर ये दोनों तरकीबें काम नहीं करती ठीक है और आपके अंदर क्रेडिट कार्ड चोरी करने की हिम्मत नहीं है अगर आप छत नहीं रख सकते अपने सर पे नहीं बहुत बड़ा सीरियो टाइप बना हुआ इंडियन पेरेंट्स के दिमाग में भाई गेमर्स आर टॉक्सिक लेजी पीपल टॉक्सिक पीपल एक गुफा के अंदर बैठ के गाली गलौज कर रहे होते हैं हुडी पहन के पूरे दिन गेम खेलते रहते हैं और कुछ नहीं करते जो कि आई थिंक 90% ऑफ पीपल आर नॉट लाइक दैट मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी 10% लोग हाँ होंगे पर वो 10% हर किसी जगह होते हैं भाई इट्स नॉट जस्ट गेमिंग 10% लोग आपको फुटबॉल के अंदर भी देखने को मिलेंगे 10% लोग आपको बास्केटबॉल के अंदर भी देखने को मिलेंगे इवन 10% ये लोग आपको क्रिकेट में देखने को भी मिलेंगे ठीक है ठीक है तो व्हाट आई सजेस्ट इज दैट कि हैव योर पेरेंट्स एक्सपीरियंस दिस फर्स्ट हैंड इंट्रोड्यूस देम टू द वर्ल्ड ऑफ गेमिंग डिस्कॉर्ड प्लीज ये जो खिलाओ जब नहीं मतलब इंडियन सर्वर पे मत खिलाना इट्स बेटर कि तुम बॉट चला लो अगर इंडियन सर्वर पे खिला रहे हो तो हेडफोन मत लगाना हां हेडफोन मत लगाना म्यूट कर देना बहुत थैंक मी लेटर जब तुम गोली मारोगे और वो बंदा तुम्हें मार के जा पाओगे दे अंडरस्टैंड ओके तो ना मैंने तुम्हें हल्का से कोट दे देना स्टीव जॉब्स का कि इफ यू बोर्न फॉर इज नॉट योर फॉल्ट बट इफ यू डाई फॉर इज योर फॉल्ट वो बोलिए क्या मतलब बस पीसी डालो चलो यार मैं तो पढ़ाना चाहिए थी मैंने सही बात अच्छा लगा दे वो तो अच्छा लाइक इफ आई बॉइल एवरीथिंग ऑल ऑफ दिस डाउन टू अ सिंगल थिंग इज कि भाई यू नीड टू टॉक टू योर पेरेंट्स विद रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हां लेकिन इससे पहला टॉपिक कैसे बात करने की हिम्मत ना से देखो यार हिम्मत तो तुम्हें जुटानी पड़ेगी यार दो ही ऑप्शन है देखो या तो खुद पैसे जोड़ लो ठीक है खुद ले लो पीसी या फिर भाई देखो माँ बाप के पैसे पे चल रहे हो तो भाई मांगना तो पड़ेगा ही अब हिम्मत कहाँ से आएगी भाई देखो अगर तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है तो बेटर है मत हिम्मत दिस इज इनसाइड जोक जिन लोगों को समझ ना है दिस इज इनसाइड जोक ठीक है
अगर तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है भाई, हो रहा है कि नहीं है, पापा से बात नहीं कर सकते, मम्मी से कर लो, बहन से कर लो, हायरार्की होती है, बात पहुंचा दो, बात पहुंचा दो किसी तरह, फिर बोलो ताकि सामने वाले को पता हो कि हाँ क्या आने वाला है। लेकिन आप दिखा दो कि आप क्या अचीव कर सकते हो। चलो ये तो ठीक है, 22 मिनट हो गए अपने को रिकॉर्ड करने में, थोड़ी लालच वाली बात हो गई। ये तो चलो एक टॉपिक हो गया, उनसे बोलो पीसी की बात करो, ठीक है, अगर वो ना माने तो फिर गाना चलाना और ऐसे परफॉर्म करना, ये तो सच है के भगवान है। तो कुछ हो जाए, चलो ठीक है, लेट इट बी। यार मैं ना आजकल YouTube खोलता हूँ, ठीक है, तो मैं ना टेक वाला कंटेंट बहुत देखता हूँ YouTube पर, जस्ट टू बी श्योर कि भाई चल क्या रहा है अपने इंडस्ट्री के अंदर। तो आजकल ना मेरे को 2-3 टाइप की वीडियोस बहुत दिख रही हैं, उनमें से 4-5 मेरे वीडियोस देखी भी, ठीक है, मुझे मेरे सर्कल वालों ने भेजी मुझे वीडियोस, एक किसी ने भेजी मुझे, ठीक है। यार ये जो आजकल ना कंटेंट निकल रहा है, मेरे तुम लोगों ने देखा नहीं देखा, ये दुकानों में जाके ग्राफिक कार्ड क्रिएट वाले कंटेंट, हाँ ठीक है, मेरे हिसाब से इससे वाहियात कंटेंट नहीं हो सकता आज के टाइम में। द वेरी सिंपल रीजन बीइंग, मैं ये नहीं बोल रहा कंटेंट बोल रहा है ना, मैं यूट्यूबर्स को गाली दे रहा, ना मैं यूट्यूबर्स को बोल रहा भाई मेरी को किसी बंदे पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन द प्रॉब्लम इज अ लॉट ऑफ थिंग्स गेट लॉस्ट इन ट्रांसलेशन इन द वे दे कवर द कंटेंट। मुझे उनके कंटेंट कवर करने से दिक्कत है, जिस तरीके से वो कवर कर रहे हैं। The very simple reason being, अभी थोड़े दिन पहले देखो, चलो दुकान में गए, रेट पता किया ग्राफिक कार्ड का, दुकानदार बोल रहा है 46,000 वीडियो के अंदर। हफ्ते बाद एक बंदा वीडियो देख के आ रहा है दुकानदार के पास, दुकानदार बोल रहा है 50,000 ग्राफिक कार्ड। और मजाक की बात यह है कि जिसने बोला 46,000 रेट बोलवाया वीडियो पे, वो ये वीडियो में अलग कह रहा है कि अगर मेरे इसमें से कोई है तो 500 रुपए कम देना। दूसरी चीज जो दुकानदार है भाई, दुकानदार गलत नहीं है, दुकानदार का कहना ये सामने, सर आप हफ्ते पुरानी वीडियो देख के आ रहे हो, उस वक्त ये रेट थे अब ये रेट हो गए, सही बात। हफ्ते पुरानी बात भी है, वो जो वेरिएंट दिखाते हैं वो कहते हैं चल चाहिए 3060 सर है, लेकिन डुअल फोन में नहीं, ट्रिपल फैन में, ट्रिपल फैन में। All of this gets lost in translation, जब तुम इतना सारा, इतनी सारी चीजें छोटे छोटे 10 मिनट की वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हो। चलो ये तो हो गई कंटेंट से दिक्कत। अभी थोड़े दिन पहले अनोन सेंट मी अ वीडियो ऑफ दिस यूट्यूबर जो इस टाइप का कंटेंट बनाता है। He visited a shop जो सेम कंटेंट बना रहे थे, वहां पे ग्राफिक कार्ड के रेट बता रहे थे। Both of the guys, the shopkeeper and the guy who's making the video, both of them are taking a shot at another YouTuber जो सेम कंटेंट बनाता है। Both of them are calling उसको बिका हुआ। तू जो नहीं, मैं आपको दो वर्ड कहता हूँ, ये दोनों बंदे कोई भी वीडियो बनाने का पैसा लेते हैं, दोनों बंदे, और दोनों बंदे एक दूसरे को कह रहे नहीं तू बिकाओ, तू बिकाओ, तू बिकाओ, तू बिकाओ, तो ये चल रहा है, पैसा लग रहा था और ये चल रहा है। और सब छोड़ो, सब छोड़ो, सब छोड़ो, जनता इतनी बढ़िया, जनता नीचे आके लिख रही है हाँ 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 मजा आ गया, मसाला देख के दिल्ली में मसाले की कमी थी। क्या है भाई, देखो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जनता जागरूक बनो, मैं तो यही कहूंगा जो बंदा सब छोड़ो, सब छोड़ो, लेट इट बी। ऐसे ही बंदे की मैंने एक और वीडियो देखी थी, ये कंटेंट बहुत चल रहा है आजकल, मेरे को दिन की 8-9 वीडियो रिकमेंडेड आती है ऐसी, नेहरू प्लेस के रेट, नेहरू प्लेस के रेट, लैमिंगटन रोड के रेट। मैंने एक बंदे की वीडियो देखी, ठीक है, द गाय कम्स टू अ स्टोर, बंदा क्या कर रहा है, दुकानदार दुकानदार इज फिल्ड विद कॉन्फिडेंस, वो यहां तक बारह कॉन्फिडेंस है, अभी उल्टी करेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा बाहर, ठीक है, मतलब बोल रहा है इस मदरबोर्ड में क्या है,
बंदा बोल रहा है कि वीआरएम बढ़िया है, वीआरएम क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन एंड मेमोरी, वर्चुअलाइजेशन एंड मेमोरी अभी क्या होता है। अच्छा लिसन लिसन, चल ये तो फिर भी छोटी बात है, वीआरएम नहीं पता होता भाई, नहीं पता होता लोगों को। बंदा बोलता है राइजन 5 3600 और 5600X में क्या फर्क है, बंदा बोलता है सर आप 5600X में ज्यादा सिक्योरिटी सिस्टम बना सकते हो, ज्यादा ज्यादा थ्रेड्स हैं, आप ज्यादा सिक्योरिटी सिस्टम बना सकते हो, खाली डब्बे रख के बात नहीं कर रहा मैं, माल रख के बात करता हूँ और पूरे मार्केट में घूम लो। लेट्स नॉट कॉल आउट समबडी, ठीक है, 1000 रुपए कम नहीं है तुम। अच्छा अच्छा लेट इट बी, लेट इट बी, लेट इट बी। ये ना एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है, इस टाइप के लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, आई एम नॉट कॉलिंग देम बैड, दे हैव देयर ओन बिजनेस, दे हैव देयर ओन वे ऑफ रनिंग द बिजनेस, ठीक है, द प्रॉब्लम विद दैट इज द कस्टमर लूजेस एट द एंड, ठीक है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ऑल ऑफ दोस कम बैक टू यू द कंज्यूमर। एब्सोल्युटली। अब प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें भाई देखो दुकानदार है, दुकानदार के पास 3600 ज्यादा पड़ा हुआ है, अब तुम तो बिगिनर हो, तुम्हें नहीं पता, वो बोलेगा 5600 ज्यादा सिक्योरिटी सिस्टम बन जाते हैं, आप ही ले जाओ, आपको करनी है 3D एंट्री, आपके लिए 5600X ऑब्वियसली बेटर है। द ओनली रीजन कि भाई उस वाले प्रोसेसर पे उसको ज्यादा मार्जिन बचा है, उसके पास ज्यादा क्वांटिटी बढ़ी है, आप तो पिट गए, कस्टमर लॉस्ट। एंड इवन लेट इट बी द गाय, अ लॉट ऑफ पीपल इन बहुत रेप्यूटेड सोर्स में चलो बैठे हुआ, इसको आपने 6-7 महीने रो पिट के माता पिता को मनाया है, 1000 रुपए और स्पेंड कर लो, गेट इट फ्रॉम अ प्लेस व्हिच एक्चुअली नोज द स्टफ दे आर डूइंग, जो सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहे। बेसिकली क्या है कि एक जो आता है आपके पास एक सिस्टम इंटीग्रेटर, क्योंकि देखो ऑन बी ऑनेस्ट अगर हम बात करें आज की डेट में तो खुद का सिस्टम बिल्ड करना इज नॉट अ बिग डील, मल्टीपल कंपोनेंट्स लगे होते हैं, उनके अलग अलग वेंडर्स होते हैं, उनके अलग सबसेंटर्स होते हैं, तो वो पीस ऑफ माइंड के लिए आते हैं, कोई इशू होता है तो मुझे पता है कहां एक जगह जाना है जहां पे मैं चीज रहता हूं, या फिर दो कि वो एजुकेट नहीं है, तो ये दोनों ही सोल्यूशन आपको एक अच्छे और एक रेप्यूटेड पीसी इंटीग्रेटर के पास मिलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ मार्केट की, लर्निंग या फिर कहीं की बात करता, जब आप इस तरीके का एक खराब एक्सपीरियंस थोड़े से पैनीज एक्स्ट्रा कमाने के लिए अगर आप 1000 रुपए बचा लो, 12000 रुपए बचा लो, आखिरी में जाके तुम्हें 8000 रुपए लग जाएगा, तो ये एक पूरी पूरी मार्केट के बारे में कहा जाता है स्कैम सिटी, जो जो बदनाम है वैसे वो, तो इस तरह की चीजें प्रमोट होती हैं। इंडियन देखो मार्केट में जो चीजें हैं वो मार्केट बनती है ऐसे ही छोटे छोटे दुकानों से, चीजों लोगों से, तो बेसिकली क्या है कि अगर मार्केट का नाम खराब होगा तो आई थिंक सबके लॉस है। एग्जैक्टली, नो डाउट, नो डाउट। मैं तो ये कहूंगा कि पीसी आपको बनाना है तो वहां जाके बनवाओ जहां पर आपको आफ्टर सर्विस अच्छी मिले, जहां पर अश्योरेंस मिले कि कुछ खराब हुआ देन द गाइस दिस जिन्होंने आपको बेचा है वो क्लेम करेंगे, वो आपको असिस्ट करेंगे, क्योंकि 500 बचा के फायदा होना नहीं है भाई। देखो मेरा ना बहुत सिंपल सिस्टम है, इफ यू आर अ प्राइस ड्रिवन गाय, ठीक है, तुम्हें सबसे सस्ता मटेरियल चाहिए, एंड इफ यू आर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट एपिसोड तुम्हें मिल जाएगा। मैं ऑनेस्टली बताता हूं, SMC डज नॉट चार्ज फॉर द प्रोडक्ट्स, वी चार्ज फॉर द सर्विस व्हिच वी प्रोवाइड। एब्सोल्युटली, ठीक है, वी चार्ज फॉर द थिंग कि भाई अगर आपका पीसी पहुंचने के बाद आपको डैमेज मिला है, We have dedicated people जो इसी के लिए हैं, जो फोन उठा के बोलेंगे सर रिप्लेसमेंट भेज रहा हूं, आपका फोन काटेंगे नहीं, आपको 6 महीने बाद ग्राफिक कार्ड में प्रॉब्लम आ रहा है, फोन उठा के बोलेंगे सर टेंशन ना लो डायग्नोस करने में हेल्प करता हूं आपकी, आपको ये नहीं बोलेंगे ये सर्विस सेंटर का एड्रेस चले जाओ जमा करा लो। तो इवन अगर इफ यू आर अ प्राइस ड्रिवन, इफ यू आर अ प्राइस कॉन्शियस कस्टमर, वेरी सॉरी टू इंटरप्ट भाई, बहुत सिंपल है सिस्टम, गो बाय फ्रॉम एनीबडी एल्स, गो बाय फ्रॉम एनीबडी एल्स, बट मेक श्योर यू नो योर स्टफ, else you will be skimmed out.
आई कैन गारंटी यू दिस, अगर आप यू इफ यू डोंट नो योर स्टफ और आप खुद पीसी बिल्ड करने जा रहे हो वीडियोस देख के यूट्यूब पे, बस देखो भाई यूट्यूब पे बहुत सारी बिल्ड गाइड मिल जाएंगे तुम्हें, तेरा अनंत यूट्यूबर्स हैं, बट आपको संभाल लेना, एट द एंड ऑफ द डे आपका पैसा लगना है, आपका कोई हाथ नहीं पकड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे पीसी बिल्ड करते टाइम, खुदा ना खास्ता कोई प्रोडक्ट खराब निकल जाए, डेटा मारे प्रोडक्ट खराब निकल जाए, आपको महीना वेट करना पड़ जाएगा सर्विस सेंटर के चक्कर काटते काटते, ग्राफिक कार्ड नहीं मिलेगा आपको, ऑब्वियस सिनेरियो, even a lot of these kya kehte hain, a lot of these shopkeepers which I've noticed, and abhi recently ek aur mere known bande ne mujhe video bheja of a store guy, is bande ne usi price wale youtuber ko bula ke hirana giveaway on his channel of a graphic card, and what happened was ki the guy who won the giveaway, wo banda it has been 3 to 4 months since the offer was announced, aur aaj ki date mein bhi us bande ke paas graphic card nahi hai. क्या ऑफर क्या उसको किया था? So what happened was कि एक RX, I think RX 6600 XT का एक giveaway था कि भाई form है, submit करो, we'll choose a single winner जिसको RX 6600 XT मिलेगा, and एक बंदा था उसका raffle निकला, the guy जिन्होंने giveaway निकाला था, the guy is straight away ignoring कह रहा तुम कौन, and these are the guys जो आपको 1,000-2,000 सस्ता दे देंगे, बट हाँ खुदा ना खास्ता कुछ खराब हुआ, दिस गाइस वोंट इवन पिक योर कॉल्स, वो स्प्लेंडर पे आया मुझे बॉडी एक्सेप्ट नहीं दिखा, एग्जैक्टली वो बेचारे को GT730 दे था, एंड भी उससे भी चल रहा है, बहुत सारे जो इंडिविजुअल सेलर्स है वो भी यही कर रहे हैं, लाइक रिसेंटली 2-3 एग्जांपल निकले थे सबके सामने कि आपको 1000 का सस्ता दे दिया उन्होंने, लेकिन इनवॉइस में दिक्कत आ गई, मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं वो अपने जो परसेंटेज है निकाल लेंगे, हाँ लाइक आई वाज सेइंग कि मेरे पास एक कोटेशन आई थी H510 i5-11600K without cooler, guy was going to do editing. मैंने कहा कि भाई क्या ले रहा है तू? 11600K with H510. H510. Music वाला मतलब बोल. Like I was like मतलब क्या ये? क्या ये? I have actually seen guys in Nehru Place sell an AMD processor with an Intel motherboard. There are stores, I won't name the store, but it is a very reputed store जिसपे आप जाके कुछ भी मांगोगे. You won't hear any sort of feedback from them. They'll just give it to you right away and say, मैं तुमको नहीं जानता. If you walk into that store right now, say मुझे Intel i5-1200K चाहिए और मुझे B550 में लगाना है, सामने से चूम ही करेंगे बंदे. i5-1200K. B550 में लगाना है. B550 में लगाना है. वो दे देंगे. लगाओ. ले जाओ भैया. अच्छा नहीं चल रहा. हम क्या करें भैया? आपने बोला था क्या? 1200 लगा दो. X570 में. अरे भाई कुछ G690 बता रहे सर, बोलते सर होता कुछ होता किसी ने देखा नहीं है क्या है वी जस्ट चैट अबाउट इट मतलब अगर कोई शॉप यहाँ पे 20-25 साल से है तो कोई पॉइंट है उसका, वो इसलिए क्योंकि दे गिव बेस्ट सॉल्यूशन, किसी को बाद में प्रॉब्लम ना है, दे केयर अबाउट द कस्टमर्स, एंड वो ये चाहती है कस्टमर हमारे पास दोबारा तो पीसी लेने आए, पीसी खराब पीसी लेके ना आए, करेक्ट, जैसे घर बार बार नहीं बनता पीसी बार बार नहीं बनते, आई थिंक इंडियन जो अगर आप पीसी बना रहे हो 4-5 साल का इन्वेस्टमेंट है, ये टेन्योर है ही जो है, मोस्टली अगर लोग चेंज भी करते हैं 5 साल के टेन्योर में तो अपना केसियन खेलेंगे, मोस्टली मैंने देखा क्योंकि थोड़ा सा उसमें एस्थेटिक चेंज हो जाता है वो, हाँ ठीक है, फील आती है ना, सस्ते में लगता है गाड़ी वाला सस्ता लगता है, मशीन जाएगी अंदर इंजन आइटम का, बेसिक जो आपका जो
वर्कहोर्स है, जैसे कि सीपीयूज है, मदरबोर्ड्स हैं, आपके जो क्या नाम है ग्राफिक कार्ड्स है, वो सिमिलर रहते हैं। हाँ, रैम से DDR5 अब आ गई है, थोड़ी टाइम बाद थोड़ी सी वो अफोर्डेबल हो जाएगी तो लोग उसे स्विच कर जाएंगे। इस तरह की चीजें हैं, वो अपग्रेड हो जाती है, बट बेसिक जो कोर पीसी आपका सिमिलर ही रहता है 5000 तक। तो आपको थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड आपको ढूंढना चाहिए, एक रेप्यूटेड ब्रांड के साथ जाना चाहिए। यूट्यूबर्स होंगे वो आपको बताएंगे यहाँ सस्ता मिल रहा है, यहाँ वो मिल रहा है, लेकिन गो विद द बैलेंस बिल्ड। और उनके पास जाओ, यूट्यूबर से उनके तरफ मत जाओ, आई एम नॉट नेमिंग एनीवन, लेकिन उनके पास जाओ जिनकी लेगेसी हो पहले से, करेक्ट, जो तुमको स्कैम ला रहे हैं, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, नो डाउट नो डाउट। एंड वन मोर थिंग, दिस थिंग व्हिच हैज स्टार्टेड रिसेंटली, अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स, टेक यूट्यूबर्स हैव स्टार्टेड देयर ओन थिंग, दे आर स्टार्टेड सेलिंग ऑनलाइन। देयर आर सम गुड पीपल हु आर डूइंग वेरी गुड स्टफ, who are giving PC builds at very good prices to their end consumer, जो service भी दे रहे हैं साथ में उस हिसाब की। But there are ये जो majority लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे, these are the guys with 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh subscribers, who जो legitimate काम कर रहे हैं, जो मतलब ऐसा है कि हाँ अपने audience के लिए these guys are doing fan service। अब कुछ ऐसे लोग हैं who are no names and they have started their own website। उसमें से एक तो है वो बंदा, उनमें से एक ही बंदा है वो डेड प्राइस की कवरेज जाके दुकानों पे, द गाय हैज सच बॉल्स, द गाय हैज सच बॉल्स, द गाय इज सेलिंग एन RTX 3070 विद अ 20% मार्कअप ऑन द वेंडर प्राइस, एंड उसको वीडियो में बोल रहा है कि डूड बहुत अच्छा प्राइसिंग है, इससे सस्ता आपको प्राइस मिलेगा नहीं कहीं पे। मैं मुझे मतलब हिपोक्रेसी देखो, ये जो कवर करते हैं ना, ये जिस दुकान में जाते हैं वहां पे बेस्ट प्राइसिंग होती है। अभी जो बेस्ट प्राइसिंग होती है अब आपने एक प्राइस सुना है तो प्राइस सुना है, प्राइस होता था उनका रिएक्शन देखो, ओ माय गॉड ये तो बहुत सस्ता हो गया। अरे मैं पेड है, उनको पेड है, अरे ओ माय गॉड तो बहुत सस्ता हो, क्या बात कर रहे हो, डबल चेक करेंगे ऐसे, वो क्या बात कर रहे हो। तो बेस्ट मैं बता रहा हूँ, बेस्ट मतलब मैं कह रहा हूँ जहां जाते हैं वो बेस्ट है, दुकान वाले बुरा लग गया ना उसका बेस्ट, फिर दोबारा बेस्ट नहीं। बट यार तुम फिर ये नहीं कह सकते ना यार कि ये बंदा गलत है जो बंदा पैसा लेके वीडियो बना रहा है, ये तुम ये नहीं बोल सकते। आइदर यू कैन बी अ हिपोक्रेट और इधर यू कैन बी राइट, ठीक है, राइट तो तुम नहीं हो, राइट तो तुम नहीं हो, बस वो भी पैसा ले रहे हो, तुम भी पैसा ले रहे हो। ड्रामा कहां से आएगा, क्या ड्रामा कहां से आएगा यार, तुम समझो ना भाई, या तो तुम सीधा सीधा बोलो कि भाई मैं मसाला देने के लिए आया हूं तुम्हें, तुम ही ढोंग मत करो, बेस्ट ग्राफिक कार्ड इधर अच्छे से ना, अच्छे रेट टेक की देगा भाई, देखो यार भाई देखो मैं ना आई कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ पेन, आई एम वेरी कंज्यूमर ड्रिवन, ठीक है। अब क्या सीन है, अब इनकी जगह पर मैं एक नॉन एजुकेटेड गाय हूं जिसको मुझे घंटा नहीं पता टेक के बारे में, मैं इनकी वीडियो देख के दुकानदार से पीसी ले लूं जो मुझे बेकार सर्विस दे रहा है, मुझसे महंगा ज्यादा चार्ज कर रहा है और मुझे वारंटी भी नहीं मिल रही उस पार्ट की, मुझे 2 किलोमीटर दूर भी जाना पड़ रहा है, तो भाई मैं बहुत दर्द में हूं, मैं बहुत दर्द में हूं। अब ये जो लोग काम कर रहे हैं ना, दिस इज वेरी बैड, और इस चीज के मैं ना ना करके भी 1-1.5 लाख दे चुका हूं, मतलब बड़े आराम से एवरेज प्राइस है, नो डाउट इस चीज का मैंने पैसा दिया और ज्यादा दिया उल्टा, प्रीमियम चार्ज करके भी मैं प्रताड़ित हूं, मतलब काम काम ज्यादा Amazon बॉय काम हो गया लोगों का यार, डूब जो बंदा AIML कर रहा है वो 1000-2000 रुपए सस्ते के चक्कर में किसी और से ले गया सामान, वो बंदा फोन पीसी खराब हो गया, बंदा फोन नहीं उठा रहा, उस बंदे को 10 दिन चले गए, 10 दिन क्या ग्राफिक कार्ड खराब हो गया तो महीना चला गया उस बंदे का यार। अभी पीसी भी ले रहे हो गेमिंग के लिए, आपके पीसी बॉटलनेक कर रहा है, आप स्ट्रीमिंग के लिए कर रहे हो, स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रही, आप I'll tell you one thing. अभी क्या हुआ, मी एंड अभिषेक फ्रॉम टेक ड्रीम्स, जिसको नहीं पता टेक ड्रीम्स इज माय कजन, जस्ट पुटिंग इट आउट देयर, नेपोटिज्म नहीं है, चीयर्स, ठीक है, नेपोटिज्म नहीं है, पहले ही बता, नहीं है नेपोटिज्म नहीं। अच्छा तो व्हाट हैपेंड वाज, अभिषेक को अपने ऑफिस के लिए ही वांटेड अ छोटा सा मतलब एक नॉर्मल सेटअप, 10-15 हज़ार का बजट था, वो कह रहा है ब्रूट सेकंड हैंड पीसी ले लेते हैं एंड उसको कुछ नहीं करना था, वी जस्ट नीडेड टू प्रिंट आउट सम लेबल्स, उसके पैकेज में चिपका के वी वांटेड टू शिप इट आउट। तो हम लोग चले गए जनकपुरी,
Actually, Janakpuri is also very well known for computer hardware place. DC, exactly. तो हम लोग वहाँ गए. हम लोग ऐसे फर्स्ट थर्ड फ्लोर था, थर्ड फ्लोर की दुकान में घुस गए. ठीक है, अब तुम्हें पता लगेगा कि भाई किस टाइप के लोग बैठे हैं एक्चुअली में मार्केट में. हम लोग गए थर्ड फ्लोर की दुकान पे, थ्री को डोर है ना. हम लोग थर्ड फ्लोर की दुकान पे गए, बट हैपेंड वाज हमने जाके बोला भैया पीछे चाहिए, हो जाएगा भी. मुझे ना 8 GB RAM का लानी है. भाई हमने पीसी ऑन करा कल और रामचरी DDR2 थी. तो हम लोग पीसी लेके गए बंदे के पास. पहले तो एक दिन से छुट्टी कर ली, कहता सर आज मैं दुकान पे नहीं हूँ. ठीक है, दूसरे दिन कह रहा आ रहा हूँ करते 2 बजे. तो हम लोग पहुंचे 2 दिन बाद, एक्चुअली फोन आ गया था टू कट द सेगमेंट आउट. हम पहुंचे 2 दिन, बंदे ने डकाया. हम पहुंचे बंदे के पास, पीछे लेके गए. हमने कहा भैया ये क्या है, 32-bit प्रोसेसर है. मैं कहा लगेगी 8 GB रैम, चलेगी भैया, हम तो रोज भेजते हैं. हमने मैंने इस महीने 500 मशीनें बिछी ऐसे करके. 500 मशीनें नहीं चलती. मैंने कहा नहीं चलती भैया, कैसी बातें कर रहे हो, नहीं दिख रही. कह रहा बंदे की कोट, I'm quoting him, भैया अगर नहीं चली तो मैं मान जाऊंगा मैं पिछले 20 साल से कुछ नहीं करा. This is a direct quote from him. कुछ नहीं करा, literally कुछ नहीं. The guy started the rig. पीछे ऑन करा उसने. Windows 7 थी उस पीछे में. ना माइक्रो मीटर पर गया, प्रॉपर्टीज खोली बंदे ने, वहां पे चार्जर भी दिखा रहा है. नक्का बक्का नहीं कह रहे, चार्जर भी कैसे दिखा रहा है. उसने अब देखा, कह रहे यार ये तुम कलेश कर देंगे यहाँ पे, कुछ करना पड़ेगा. सोचा फुद्दू है सामने वाले बंदे ने, पीसी रिस्टार्ट करा, BIOS खोली. BIOS में देखा, देखो भैया दिक्कत 8 GB RAM. ये वो डिटेक्ट हो गया 8 GB RAM. नहीं, इस टाइप के लोग एक्चुअली में हैं. दिस वाज बैक जब टेक ड्रीम वाज नॉट फेमस. नहीं, दिस इज एट द टाइम व्हेन टेक ड्रीम हैड 60K सब्सक्राइबर्स. ही शुड हैव नोन, मतलब कैसे 20 साल से हो. इट्स समथिंग ना, वो बंदा ये बोल रहा है कि 32-bit प्रोसेसर में 8 GB RAM शो होती है, तो व्हाट इज यू एक्सपेक्ट. वो बंदा उसका चैनल देखता होगा तो अकल आ जाएगी थोड़ी सी. देखा नहीं, वही तो बात है. देखा नहीं, वही तो बात है. वही तो बात है, वही तो रहेगा. मुझे जाना है, फिर हुआ गया. फिर कुछ नहीं हुआ. फिर हमने थोड़ी सी लड़ाई करी बंदे के साथ, साइड वाला बंदा भी आ गया. फिर अभिषेक ने थोड़ा सा फ्लेक्स करा, अभिषेक ने दिखाया, कह रहा है भाई साहब आप मुझे के समझा रहे, देखो चैनल 60,000 सब्सक्राइबर्स. वो अभिषेक ने पैसे वापसी लिए और कहीं और से लिए. इस टाइप के बंदे एक्चुअली में बैठे हैं. अच्छा, रिलेटेड भी एक केस ऐसा एक और हुआ मेरे साथ. One more very funny thing आ रहा है. तब अभिषेक क्या थे, 20K सब्सक्राइबर्स थे. ये मेरा तब का टाइम है जब मेरे पास मेरा मदरबोर्ड खराब हो गया. मदरबोर्ड वेंट बॉन्कर्स. तो अपने को मदरबोर्ड चाहिए था ना. I contacted Preet from Gigabyte. ठीक है, तो उसने ही रेफर्ड सम स्टोर टू मी. तो वो बंद था एक्चुअली, उसके साइड वाला खुला हुआ था. तो हम उसमें चले गए. इवेंट इन मेगा टू जी टू, इसके लिए बोर्ड चाहिए. आई थिंक G521 आता था बोर्ड उसके लिए. आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट मॉडल, बट हाँ. बंदा कहता है घुसते ही, कह रहा भैया ये बोर्ड ले लो, चकाचक चलेगा. प्रीत भाई नहीं, प्रीत नहीं यार, प्रीत इज अ वेरी गुड गाय. ये बंदा बोलता दुकानदार, कह रहा अब ले जाओ, अब ले जाओ, चकाचक चलेगा. ठीक है, कॉन्फिडेंस होगा बंदे के अंदर अपना माल बेचने से बोल रहा होगा. थोड़ी देर बाद कहता मैं ऐसा क्या है इस बोर्ड में, कहता डेल का बोर्ड है भैया. आपको पता है आजकल के जो बोर्ड बन रहे हैं, एसरो, अशरुक, एमएसी, ये सारे खराब है बोर्ड. सुन, लिसन टू हिज वर्ड्स. एक्चुअली मैं बंदा सेड अशरुक, एमएसी, ये सारे बेकार, ये सारे बेकार बोर्ड. आजकल के बोर्ड में कुछ नहीं, खोखले बोर्ड हैं. प्रोग्रामिंग में बेकार कर रखी है बोर्ड में, प्रोग्रामिंग बेकार कर रखी है. इस बोर्ड में इतनी अच्छी प्रोग्रामिंग है कि आप 2 GB रैम लगाओगे, 8 GB परफॉर्मेंस देगी आपको. This is a direct quote from him. He's a god. आप 2 GB RAM लगाओ, 8 GB की परफॉर्मेंस देगी. 2 GB RAM. And मैं ये नहीं कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ ये बात.
फोन आ गया भाई। तो 2 GB रैम डालोगे, 4-8 GB का परफॉर्मेंस देगा। HP का लेके डाल दे इन्होंने वैरेंट। मैं क्या क्यों कह रहा भैया, उस टाइम में ना प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी होती थी। या तो चलो ऐसा हो कि तुम क्रोम OS चला रहे हो, चलो फिर तो फील आएगी हाँ बहुत स्मूथ है। अच्छा अगर तुम्हें लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, अभिषेक की वीडियो देख रहा होगा, अभिषेक टेस्टिमेंट टू दिस, अभिषेक प्लीज कमेंट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन, बता दे लोगों को कि यहां ऐसा एक्चुअली में हुआ था। 2 GB करके 2 GB रैम लगाओ, 8 GB का ठीक रोल मिलेगा। दिमाग फट गया। उसका रीजन क्या है कि प्रोग्रामिंग अच्छी है बोल के, मतलब समझ रहे हो, इससे पता लगता है कम्युनिकेटर से बात नहीं आनी चाहिए। ये इंडिया से बात नहीं आनी, ये बात इंडिया से बात नहीं आनी, ये टेक्नोलॉजी इंडिया से बात नहीं आनी चाहिए। और ये भाई साहब, दिस इज हैपनिंग एट द सो कॉल्ड एशियाज बिगेस्ट टेक मार्केट नेहरू प्लेस। इससे पता लगता है कि किस टाइप के बंदे बैठे हैं। बंदा मतलब सही बंदा सही है। दिस इज व्हाई इट इज रैपिंग दिस ऑल अप। इसमें विस्फोट ही नहीं है, मोस्फेट है। तो रैपिंग ऑल ऑफ दिस अप, मेरी हम तीनों की आपसे हाथ जोड़ के विनती है, दरख्वास्त है, आप प्लीज अपनी हार्ड अर्न्ड मनी ऐसे 2-3 हजार रुपए के चक्कर के अंदर, एक स्कैम के अंदर ना फंसे। थोड़े से कम लालची बने, 2-3 हजार रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर लें तो आपको सर्विस अच्छी मिल जाएगी। एटलीस्ट इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर आपका पीसी नहीं चलता फ्यूचर में, आपको सर्विस सेंटर के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। देयर विल एटलीस्ट बी समबडी टू पिक योर कॉल्स एंड हेल्प यू आउट। तो बड़ा सिंपल सिस्टम भाई, इंश्योरेंस वो बंदा नहीं लेगा जिसका एक्सीडेंट नहीं हुआ आज तक, ठीक है। ये सवाल आप उस बंदे से पूछो जिसका पैसा डूब चुका है एक बार, कि हाउ मच डज ही रिग्रेट स्पेंडिंग 80,000 rupees फ्रॉम सम नो नेम शॉप बाइंग हिज पीसी, जिसका पीसी खराब पड़ा हुआ अभी तक 2-3 महीना हो गया ग्राफिक कार्ड का वेट करते हो, आरएम यूनिट से आएगा। दिस वॉज टूडेज एपिसोड गाइज। मैं ट्राई करता हूँ, हम तीनों, मेरा तो एक्चुअली बहुत मन है टू डू अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट। अगर आपको इस टाइप का पॉडकास्ट पसंद आए हो एंड यू वांट अस टू डू अ लॉट मोर एपिसोड्स लाइक दिस, तो प्लीज ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि भाई यू लाइक अस टू डू अ लॉट मोर पॉडकास्ट एपिसोड्स। तो तब तक के लिए, दिस वाज गर्व शर्मा, ध्रुव एंड अवनीश, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस। और जो भी लोग ऐसे मुझसे पूछ रहे हैं गिवअवे कब करोगे, कब करोगे, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, डेफिनेटली मिलेगा। बट हमारे गिवअवे पहुंच जाते हैं टाइम से, 7 दिन के अंदर पहुंच जाते हैं, 2-3 महीने तक वो हम उठा लेते हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, जितने ही बॉय लोनली रहते हैं। चलो, सी यू, बाय बाय।